हाय एवरीवन। तो चलिए आज आपको बताते हैं चिलर प्लांट में ऑयल लुब्रिकेशन क्या होता है और कैसे होता है, कौन से पार्ट्स उसको लुब्रिकेशन करते हैं। देखिए, पहले चीज़ तो ये होता है कि लुब्रिकेंट का नाम सुना होगा, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन और लुब्रिकेशन सिस्टम तीन होते हैं। तो ये आपको कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स या कोई भी मूविंग पार्ट्स जो होते हैं, जो घूमने वाले हों, मूविंग पार्ट्स में आपको लुब्रिकेशन वहाँ पे करना ही पड़ता है। कुछ कंपोनेंट को जोड़ के, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स को जोड़ के। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जो चिलर में लगता है यानी चिलर प्लांट में लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है, विदाउट लुब्रिकेशन सिस्टम से आपका प्लांट जो है कमांड नहीं लेगा, यानी वो स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, क्यों इसको किया जाता है लुब्रिकेशन सिस्टम? तो पहली चीज तो ये होती है कि किसी चीज में, यानी मैकेनिकल पार्ट्स हो, नट वोल्ट, अदरवाइज कोई भी घूमने वाले पार्ट्स में, हम ऑयल इसलिए वहां पे यूज करते हैं ताकि फर्स्ट तो एडवांटेज यह रहता है कि उसकी वॉइस जो नॉइजी होती है, नॉइज धीरे धीरे वो जो है कम कर देता है। और पहली चीज ये होती है। सेकंड चीज ये हो गई कि इसकी जो लाइफ होती है, क्योंकि दो पार्ट्स जब आपस में चलते हैं तो वहां पे जो है वो दोनों पार्ट्स जो घिसने लगते हैं, तो उसके बीच में जो है ना ऑयल चार्ज किया जाता है, यानी ऑयल को यूज किया जाता है ताकि वो दोनों पार्ट्स घिसे ना और उनकी लाइफ जो है कम ना हो। तो इस तरीके से उसकी एफिशिएंसी और लाइफ को जो है बढ़ाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल का यूज किया जाता है। तो चलिए आपको पार्ट बता दिया जाता है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये है ऑयल टैंक, यानी लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है उसका टैंक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये राउंड में है उसकी हीटर, जो ऑयल को हमेशा हीट करके रखती है, चाहे प्लांट ऑफ हो या ऑन हो। ऑफ पे भी ये रहेगा तो ये मोटर ऑटोमेटिक 47-48 डिग्री से जैसे ही नीचे आएगी सेल्सियस में, वैसे ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और हीटर के अंदर जो ऑयल है ये पूरे टैंक में, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक टैंक है, तो इस टैंक में ऑयल को जो हीट करके रखेगी वो, जैसे ही फिर से वो 48-50 के समथिंग आ जाएगा सेल्सियस में तो वैसे ही वो ऑफ हो जाता है। इसकी कैपेसिटी जो इसकी इनपुट होगी 2 किलोवाट आपको डिस्प्ले पे वो शो करता रहेगा कि हाँ ये 2 किलोवाट की जो स्टीम लगी है हीटर वो टेक करता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये हमारा टैंक है, टैंक के अंदर जो मोटर है और साइड में वहाँ पे हीटर लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए ये जो काम कैसे करता है, पंप ने उसको जो है थ्रो किया, यानी जब हीट हो गया तो उस हीट होने के बाद क्या होता है कि ऑयल जो रहता है वो जो पतला हो जाता है, यानी उसकी वो जो पतला होने के बाद क्या होता है, स्लिम हो जाता है, क्योंकि वो जो गाढ़ा रहेगा तो गाढ़ा जो है हर एक पार्ट में वो नहीं जा सकता, तो इसलिए स्लिम ऑयल यानी पतला ऑयल जो है इसको जो है घुमाया जाता है। देखिए ये जो है ये टैंक है, यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं आपको रेड कलर का जो है, रेड के साइड में वहाँ पे आपको मैक्सिमम, यानी अगर उतने पे आ गया तो यानी वो जो है एक मैक्सिमम ऑयल चार्ज का है, लेकिन इसके बीच में ही हमें रखना पड़े, ये जो ग्रीन कलर के लास्ट वाले ये इंडिकेटर से ऊपर ही हमें रखना है ऑयल को। देखिए हीट होने के बाद क्या होता है, वो पंप के थ्रू इस लाइन से, ये लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको जो है क्या किया गया है, इंसुलेट करके रखा गया, ये लाइन आती है यहाँ पे, ये है आपका प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में जो है आने के बाद क्या होता है, ये इन हुई और यहाँ से देखिए ये जो है ये लाइन है, ये आउट होके ये गई यहाँ पे फिल्टर हुआ ऑयल का जो है, ल्यूब्रिकेशन ऑयल को यहाँ पे फिल्टर किया जाता है, जो भी डस्ट पार्टिकल या मॉइस्चर वगैरह हो उसको जो निकाले जाते हैं यहाँ पे, और ये वापस ऊपर से लाइन देख रही है, वहां ऊपर एक नोजल रखा गया था, नोजल के थ्रू उसको जो है छिड़काव किया जाता है ताकि एक अच्छी तरह से हर एक मोमेंट पार्ट्स में पहुंच जाए, फिर वहां पे वो इम्पेलर और जो भी अदरवाइज
थ्रीटेड टाइप की जो इसके अंदर जो है ये लगी रहती है बैरिंग वगैरह सब में, ये सबको जो है ऑयल जो है ये घूमता हुआ सारे मोमेंट पार्ट्स में, देखिए यहाँ से आउट होता है, फिर ये लाइन दिख रही है, सारे मोमेंट्स पार्ट्स में ये घूमने के बाद यहाँ से ये वापस आता है, दिखा, ये गया, अभी आप वहाँ देख लीजिए, वो वहाँ से इन हो गया, वो टैंक है इसका, टैंक में इन हो गया। तो ये जो है इसकी जो साइकिल होती है, ठीक है। और इस ऑयल को इस फिल्टर, ये जो लगा हुआ है, ये जो हीट एक्सचेंजर प्लेट टाइप, इसको जो है ऑयल को वापस से हीट को उसके रिमूव करने के लिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है रेफ्रिजरेंट दिया जाता है इसको, ये कंडेंसर लाइन, ये देख लीजिए, ये लाइन जो है, ये लाइन कंडेंसर से आ रही है जो कि रेफ्रिजरेंट है इसमें, ठीक है। ये इस लाइन में जो रेफ्रिजरेंट होने के बाद इस लाइन, ये ऊपर वाली लाइन से ये होती हुई आपके वापस एवोपरेटर में जाएगी, ये लाइन जो है, ये लाइन वापस एवोपरेटर, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट रहता है जो कि इसके हीटिंग को जो है रिमूव कर देता है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। फर्स्ट लुब्रिकेंट यानी ऑयल होता है, लुब्रिकेशन यानी वो काम हो रहा है, यानी लुब्रिकेशन जैसे होता है क्या, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेंट क्या हो गई, गैस हो गई, रेफ्रिजरेशन यानी किसके अंदर वो जो सर्कुलेशन कर रही है, और रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी उसके पार्ट्स जहां पे वो सर्कुलेशन कर रही है। तो सेम इसी में लुब्रिकेंट यानी ऑयल, लुब्रिकेशन यानी जो काम हो रहा है, और लुब्रिकेशन सिस्टम यानी ये जो मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, फिल्टर, आपका पंप हो गया और टैंक हो गया, फिल्टर हो गया, और फिर जहां के लिए वो सर्कुलेशन हुआ हो रहा है, उस चीज को जो है सबको एक असेंबली में लेके उस सिस्टम को यानी लुब्रिकेशन सिस्टम कहा जाता है।